दोस्तों कैसे हो, स्वागत है आप सभी का हमारा स्किल इलेक्ट्रिक और यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये साइट कैसी है। यहाँ पे एसी लगाना बहुत ही मुश्किल था और जान का जोखिम था, बट यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करना चाहिए था। हमारे पास सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जो है अपनी जो यहाँ के ओनर थे और जो भी यहाँ पे काम करने वाले सुपरवाइज़र थे, उन्होंने बोला कि आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके पास खड़े हैं। तो उनकी पूरी टीम है जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो सब हमारे पास खड़े रहे और हमने काम किया और इन्होंने पूरा सहयोग किया। तो हमने लग के साथ में एसी इंस्टॉल किया। तो दोस्तों अगर आप करनाल के रहने वाले हैं तो हमारे से आप जो है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन ओवन, माइक्रोवेव, गीज़र, ब्लेंडर, मिक्सी, ऑल टोटली ब्रांड जो है प्रिपेयर करवा सकते हैं। हमारी जो सर्विस है करनाल में स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो, कम्प्लीट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं दोस्तों। यूनिटी जो है हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, थोड़ा यहाँ पे रोशनी की प्रॉब्लम है इसलिए लग रहा है। यूनिट जो है हमने लगा दिए, मेरे पीछे देखेंगे वो यूनिट लगी हुई है। और हमारे जो हैं गौरव भाई थे हमारे साथ और एक हमारे दोस्त भी थे, हमने साथ मिलके जो है इस यूनिट को रखा है। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, इसका जो इंडोर लगाएंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे, उसमें हमें कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके अंदर से कैसे पाइप बेंडिंग है। ये एक फैक्ट्री है यहाँ पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ इंडोर भी लगाएंगे जो वो भी दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आउटडोर यूनिट देखिए यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। और अगर मैं साइड का व्यू दिखाऊं ऊपर की तरफ और इस साइड से देखेंगे वहाँ पे AHU लगे हैं और एक AC हमने वो इंस्टॉल किया था, देख सकते हैं वो रहा ठीक है। और अभी इधर से भी आप देख सकते हैं व्यू, यहाँ पे चढ़ने का बहुत ही मुश्किल रास्ता था और यहाँ से हम आए थे और इस बालकनी से उधर जाके हमने ये AC इंस्टॉल किया। तो चलिए देखते हैं, अभी चलते हैं हम इंडोर की तरफ, उसे देखते हैं। यूनिट को जो है हमने अनबॉक्सिंग कर दी है। अनबॉक्सिंग करने के बाद यूनिट को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं है, हम सिर्फ जो है सीलिंग से लेके जाएंगे। और हमारे गौरव भाई जो हैं वो भी जो है आउटडोर की वायर में लगा रहे हैं। अभी वायर कनेक्ट कर लेते हैं हम। जो हमारी रेड है वो लाइन है और जो हमारी ब्लू कलर है वो न्यूट्रल है। और जो हमारा लास्ट का वायर बचेगा, इसमें लास्ट वाला पीला वायर है ये, सॉरी एक इसमें 4 वायर्स हैं। जो हमारा काले वाला है, पतले वाला वायर है, ये हमारा सिग्नल वायर है जो कि हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और जो हमारा ग्रीन कलर का है वो अर्थिंग का वायर है ठीक है दोस्तों। ये सिंपली वायरिंग करने के बाद हम स्टैंड यहाँ पे हैंग करेंगे और उसको लेवल करके उसके बाद आपको जब लेवल करेंगे और मार्किंग करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों मार्किंग कर लेते हैं लेवल लगा के। लेवल हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। और दोस्तों दोस्तों मार्किंग हो चुकी है, उसके बाद हम सिंपली जो है ड्रिलिंग करेंगे। और ड्रिलिंग करने के बाद गिट्टी लगाएंगे हम। जी गिट्टी हमारी है बस है। गिट्टी हम लगाएंगे और गिट्टी को ठोकेंगे और ये है क्या, और ये देते हैं कोडलेस। और आप हमारी हर वीडियो में कोडलेस देखते ही हैं और सबसे कारगर चीज़ है कोडलेस, हम इसे फुल मोड पर डालेंगे। ये लीजिए, तो इससे जो है अच्छे से नट टाइट होते हैं, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो हमारी कैसे लगती है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं हमें।
हम जब भी स्टैंड का पेच लगाते हैं दोस्तों, पहले सेंटर वाला लगाना चाहिए ताकि जो हमारा स्टैंड अच्छे से बीच में स्टैंड रहे, इधर उधर हिले ना। अगर आप साइड का पेच लगाते हैं तो दूसरी साइड जो हमारी नीचे रहती है, जिससे हमें प्रॉब्लम आती है काम करने में। ये दोस्तों स्क्रू लगने के बाद हम इंडोर यूनिट को टांगेंगे, और जो इसकी पाइप है वो हमें राइट साइड से निकालनी पड़ेगी। राइट साइड से निकालने के बाद देख सकते हो ऊपर सीलिंग में हमें वहाँ से कटिंग करना पड़ेगा, जहाँ से पाइप हमारा ऊपर जाएगा और फिर बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टैंड लगने के बाद इसकी पाइप बैंड कर लेते हैं। तो इसकी पाइप हमने बैंड कर ली है साइड से, देख सकते हैं साइड में बैंड होने के बाद। और ड्रेन जो है वो भी इसके हम साइड से लेंगे, क्योंकि ड्रेन इसकी अंडरग्राउंड नहीं है, ओपन रखनी पड़ेगी। तो यूनिट को भी हम लगाएंगे, हैंग करेंगे नॉर्मली जैसे हम हैंग करते हैं। तो यूनिट हैंग हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हम पाइप बैंड करेंगे और मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ से हमारा पाइप बाहर जाएगा। तो हम पाइप को बैंड करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि पाइप जो है ये सॉफ्ट होती है, तो पाइप सॉफ्ट होने के कारण इसे थोड़ा आराम से बैंड करना पड़ता है, कभी कभी पाइप पंच हो जाती है। अभी हम मार्कर से मार्किंग करेंगे ऊपर की शीट कटिंग करने के लिए, और ऊपर से हम शीट कटिंग करेंगे। शीट कटिंग करने के बाद वहाँ से हमारी पाइप निकलेगी, फिर हम जो ऐसे पाइप ज्वाइंट करेंगे इसका। हमने यहाँ से होल कर लिया है, और दूसरा होल जो है हमने यहाँ से किया है, और सीधी पाइप जो है यहाँ जाएगी हमारी यूनिट के पास, और फिर हमें वहाँ से आना पड़ेगा पाइप पर वो करने के लिए। तो चलिए अभी हम जो है यहाँ से पाइप निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे गौरव भाई ने जो है छोटे वाली पाइप डाल दी है, मोटे वाली, उसके बाद हम चलते हैं आगे। डायरेक्टली जो है पाइप हम बाहर निकाल देंगे, तो पाइप जो है सीधी हम बाहर लेके जाएंगे। एक मिनट भाई, गौरव चलो आने दो, आने दो भाई, देख ले होगी क्या। चलो ठीक है जी, अब दूसरी हम डाल लें। तो अभी हम दूसरी पाइप डालेंगे और उसे हम यहाँ से निकालेंगे। रुक जाओ भाई, तो हम दूसरी पाइप को यहाँ से डाल लेते हैं। तो पाइप हमारी आसानी से चली गई है। रही दोस्तों ड्रेन की बात है, वो जो है, हाँ भाई हो गई पूरी। करो भाई, तो देख सकते हैं यहाँ से पाइप गई है, ये रही यहाँ से। वायर डाल दो भाई, वायर डाल दो। तो अभी हम वायर निकालेंगे यहाँ से, तो वायर हमारी आ चुकी है। तो वायर को बाहर निकालेंगे और खींचो भाई। ठीक है, तो वायर को भी इसके अंदर डाल देते हैं। बस हमारी फिर जो है बाहर यूनिट में वायरिंग और हमारी पाइप कनेक्ट रह जाएगी कमी, बाकी हमारा काम हो चुका है। और इंडोर के जो है फ्लेयर टाइप कर रहे थे हम चल के, अभी जो है हमारे गौरव भाई जो है फ्लेयर टाइप करेंगे। जैसे हमारे इंडोर के अंदर जो एयर आती है उसे हमें पहले निकालना आता है, रिमूव करना आता है। वो आपको सॉकेट दिखाऊंगा कैसा होता है, आप देखिएगा एक बार। तो ये वो सॉकेट होता है, ठीक है, इसे हम कपलर भी बोलते हैं, और इसे प्रेस करेंगे तो इंडोर की एयर सारी निकल जाएगी, उसके बाद हम पाइप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे गौरव भाई जो है सबसे पहले जो है हाफ की पाइप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्वार्टर की लगाएंगे। लिए अभी जो है हम इस पर रैपिंग करेंगे, और रैपिंग दोस्तों थी नहीं, तो हम इस पर अभी जो है टाइलॉक लगाने वाले हैं। और रैपिंग जो है हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी, और सोचा हमने कि यूनिट के अंदर से निकलेगी, बट यूनिट के अंदर नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं, तो हमारा टाइलॉक से भी काम चलेगा। और ये भी सबसे बेस्ट काम करते हैं टाइलॉक भी हमारे। तो गुरु जो हमारे फ्रेंड है वो वहाँ पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर थोड़ा पाइप और वो छोटी पड़ गई थी, इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे, उसको वेल्डिंग करेंगे, ब्रीजिंग करेंगे, और उसके बाद जो है हम गैस छोड़ेंगे। सब कुछ सारा सामान लेके पहुँच चुके हैं, बस वो पाइप कटिंग कटिंग कर लेते हैं। जो पाइप थी ये इनकी कस्टमर की खुद की थी, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है बहुत बड़ी बड़ी यूनिटें जो है इंस्टॉल हुई हुई हैं। मैं उनकी भी आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो चलिए करते हैं इंतज़ार हम उनकी पाइप कटिंग होने का। दोस्तों ब्रीजिंग हो चुकी है, पाइप यहाँ जो हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है, और उसके बाद अभी हम जो आउटडोर के कनेक्शन करेंगे, और यहाँ से जो है हमें वायर भी जोड़नी पड़ेगी, और ये वायर एक्स्ट्रा लेके आया था, तो यहाँ से हम ये वायर निकालेंगे एक और साथ में,
क्योंकि ये वायर छोटी थी वहाँ से वहाँ तक की, तो कॉपर वायर छोटी थी तो सिंपल सी बात है कि वायर भी छोटी होगी। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। जो हमारा रेड कलर था लाइन था, और उधर जो नीला कलर था वो हमारा न्यूट्रल था, तो ब्लैक में नीला लगाएंगे। और जो पीला था वो हमारा सिग्नल वायर था, तो जो वहाँ पे ब्लैक कलर का पतले वाला वायर है तो हमारा सिग्नल वायर है वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों जो पीले कलर वाला है वो हम यहाँ पे ब्लैक में लगाएंगे, क्योंकि ब्लैक जो है हमारा यहाँ पे सिग्नल वायर था, कम्युनिकेशन वायर था, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगाएंगे पीला कलर वाला, और यहाँ पे हमने पीला जो है सिग्नल में लगाया, और रेड को रेड में जोड़ेंगे, क्योंकि रेड जो है हमारी वो लाइन थी। तो दोस्तों देख सकते हैं वायर जोड़ने का कितना अच्छा तरीका है, वायर को ऐसे पजल करके जोड़े ताकि वो कभी झटके में हवा के फ्लो में खुले ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने वायर जोड़ दी, इसके बाद इस पर हम टेपिंग कर देंगे तो काम ख़त्म। और डायरेक्टली जो है अभी इसके अंदर हम गैस छोड़ेंगे, फ्लेयर को टाइट करेंगे। फ्लेयर को टाइट करने के बाद, गैस छोड़ने के बाद दोस्तों हमारा एसी जो है फुल फाइनल रेडी हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। गुरु भाई एक बार सभी को राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।